सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सक्षम जाट और आप देख रहे हैं जाट ग्रुप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस तरह का एक डिब्बी का केस बनाकर दिखाऊंगा जो कि होममेड है, जो कि मैंने घर पर बनाया है। दोस्तों, आप इस केस को अपनी ईयरफोन, डाटा केबल और माइक और अदर केबल के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर 3 मीटर की वायर है और दोस्तों इसका ये फ़ायदा है, ये आपका जल्दी से कहीं भी ले जा सकते हो आप इसको कैरी करके, और ये कहीं भी इलझेगी नहीं आपकी ईयरफोन, डाटा केबल, अदर केबल, तो उसके लिए आप इसको बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये एक डिब्बी का बनाया है। अगर आपके पास ऐसी डिब्बी कोई अवेलेबल ना हो तो आप बड़े डिब्बे का भी बना सकते हो गोल, और दोस्तों आप बोतल के कैप जो होते हैं उसका भी बना सकते हो, पेप्सी की बोतल के कैप जो होते हैं। तो चलिए अब दोस्तों इसकी मेकिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो जो है थोड़ी फॉरवर्ड करके रखी है जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आपको इसमें 4 होल कर लेने हैं, 2 साइड से, 2 ऊपर से, 2 नीचे से। और दोस्तों आपको एक ऐसा पेंच खरीदना है जिसमें आपके 3 बार्सल हो। तो दोस्तों ईजिली मार्केट में 5 रुपये का मिल जाएगा आपको लोहे वगैरह की शॉप पर। तो आपको इसको टाइट से कस लेना है जितना आप कस सके, ये दोस्तों घूमना नहीं चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको एक बार डाल करके चेक कर लेना है डिब्बी में ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो मैंने 6 इसमें पहले से करके रखे हैं। तो ये मेरी बाइक की वायर है दोस्तों, आपको माइक की वायर पहले दूरी करनी है बराबर, और आपको उसको बीच में से कट कर लेना है। बीच में से कट करने के बाद दोस्तों आपको दोनों साइड से वायर को डालना है, डालने के बाद वायर को छीलना है और वायर में एक जोड़ लगा देना है। तो मैं आप देख सकते हो मैंने वायर को छिल लिया है। छिलने के बाद दोस्तों मेरे पास हीट स्लिप है, तो मैं सिंपली स्लिप को डाल दूंगा इसके अंदर। पहले लाइटर से मैं वायर को छील लेता हूं। स्लिप को इसके अंदर डालने के बाद दोस्तों आप इसको सोल्डिंग भी कर सकते हो और हाथ से ऐसे ही ऐड सकते हो। तो दोस्तों मैं सोल्डिंग कर देता हूं। सोल्डिंग काफ़ी अच्छी होती है जिससे मेरी वायर मजबूत हो जाए और ये लूज़ ना हो, इसमें नॉइस वगैरह ना आए। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, आप देखते रहिए दोस्तों वीडियो पर, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने इसके अंदर ये स्लिप डाल दी। स्लिप डालने के बाद दोस्तों मैं इससे पे आयरन से सोल्डिंग कर देता हूं। तो मैंने इसके दोनों वायर को जो है आयरन से सोल्डिंग कर दिया। सोल्डिंग करने के बाद मैंने इस पर स्लिप लगा दी है। स्लिप लगाने के बाद आप अच्छे से इस पर स्लिप लगा दीजिए, और दोस्तों जो आपने एक आप इस पर टेप वगैरह भी मार सकते हो, तो मैं यहाँ पर टेप वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा। आपने ये जो बनाया था इसमें आपको एक अच्छे से गिट्ठा लगा देनी है जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको इसको ग्लूगन से यहाँ से चिपका देना है अच्छे से। दोस्तों ये वायर हमारी घूमे ना, और आपको एक पार्सल रखना है और इस पर नट कस देना है। नट कसने के बाद दोस्तों आपका ये रेडी हो गया है, आप देख लीजिएगा। आपको दोस्तों थोड़ा ढीला नट रखना है जिससे कि आपकी वायर जो है इसमें अच्छे से चली जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो वायर जो है इसके अंदर जा रही है। तो आप देखते रहिए दोस्तों, ये वायर जो है इसके अंदर प्रॉपर सारी चली जाएगी बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम के। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही गुजारिश है, आप प्लीज़ प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अपने चैनल पर रोज़ न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली अच्छे से इसको ढीला कर लेना है। बोल्ट को ढीला करने के बाद दोस्तों आप इसमें पीछे की तरफ 1-2 बूंद LP लगा लीजिए। मेरे पास LP नहीं है तो LP मैं बाद में इसमें लगा लूँगा जिससे कि आपका बोल्ट ढिलेगा नहीं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।